हम लोग आज जा रहे हैं जिया सराय, लगभग 6.5 साल बाद। 2016 में हमने छोड़ा था जिया सराय, जुलाई 2016 में, जब हमारा IIT मद्रास में एडमिशन हो गया था। मैं नेट की तैयारी करता था और अनु IIT जैम की तैयारी करते थे। लगभग 2 साल रहा है जिया सराय में। आज जो लोग भी नेट की तैयारी करते हैं, हम आज उनकी याद ताज़ा करेंगे जिया सराय की। तो अगर आप वहाँ पर रहे हैं तो अपनी यादें ताज़ा करिए। अगर आप जाने वाले हैं तो मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ का टूर कराऊँगा। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, गेट की तैयारी करने वाले, नेट की तैयारी करने वाले और IIT जैम की तैयारी करने वाले। कई UPSC के बच्चे भी रहते हैं जो IIT दिल्ली में रहते हैं और जिया सराय में रह के UPSC की तैयारी करते हैं। तो आज हम ले चलेंगे आपको जिया सराय में। ये देखिए, हम पहुंच गए जिया सराय गेट। बहुत आना जाना हुआ है यहाँ से, लेकिन बहुत दिनों बाद आ रहे हैं आज। ये रहा वो ब्रिज जहाँ शाम को हम टहला करते थे, और ये रहा जिया सराय का गेट। छह साल तो बाद वैसी है जैसे 6 साल पहले हुआ करती थी। वैसे ही गाड़ियां पार्क हैं, तिरछी तिरछी, वैसे ही लोग अपने कुत्तों को लेकर टहला भी रहे हैं। टहला रहा है ना कुत्ता लेकर। और ये जस्ट बगल में IIT का कैंपस है। ये IIT का कैंपस। हाँ। ये हॉस्टल है, हॉस्टल का नाम नहीं याद है। पहले ये एशिया का लार्जेस्ट हॉस्टल हुआ करता था। सबसे पहले ही मेरी कोचिंग पढ़ जाती थी कैरियर एंडेवर की। हाँ, मैंने यहीं से अपना CSIR नेट की तैयारी की है। और यहाँ पे फ्रूट्स की दुकानें जहाँ लगती थी, 6.5 साल बाद भी वहीं लग रही हैं। वही हैं, हाँ वही अंकल जी हैं। कैरियर एंडेवर की कोचिंग। यहाँ नोटिस बोर्ड में हमारे मार्क्स लगा करते थे, बहुत फतुआ से देखा करते थे। यहाँ पे सेकेंड हैंड बुक्स मिला करती थी एक नहीं। विनीत, बहुत सारी नई क्लासेस हो गई हैं। विनीत पांडे क्लासेस, हाउस ऑफ फ्लेवर्स। यहाँ पे पहले भी एक रेस्टोरेंट था, एक अजीब से नाम वाला यहाँ पे था ना एक रेस्टोरेंट। हाँ, यहाँ पे वो बंद हो गया था महाराजा करके। नहीं महाराजा ना, ना, तो ना, ना। में था। एक अजीब सा नाम था उसका। हाँ, ये रहा पाईएम जहाँ पे मैंने कोचिंग किया था। कहाँ ये है ना पाईएम, पाईएम ब्रेन स्ट्रॉन्ग अचीवर्स। यहाँ अक्का पे ऐसा कुछ ना, हब्बब द हब्बब वही तो है, लेकिन बंद हो गया है। यहाँ पे जूस की शॉप हुआ करती थी, वही बंद हो गई, कुछ और ही हो गया है। यहाँ पे फोटो कॉपी की दुकान थी, वहाँ पे अब केमिस्ट हो गए हैं। वहाँ पे ज्ञान बिंदु, ये दुकान नहीं थी। बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, वो अभी भी है, वो अभी भी है। चौधरी जी की दुकान अभी भी है, ये है ना संगम, संगम रेस्टोरेंट अभी भी है, संगम रेस्टोरेंट अभी भी है। गंगा डेरी बंद, ये संजय गंगा डेरी बंद हो गया लगता है। संजय फोटो स्टेप हो गया। ये गंगा डेरी है तो, अच्छा जगह चेंज, गंगा डेरी शिफ्ट हो गई है। द गेट कोच, गेट कोच यही है, कैरियर एंडेवर ऊपर रहा। पीछे शुरू होते हैं, शुरू होते ही खत्म हो जाती है। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, दो ही गलियां हैं। बहुत ही कंजेस्टेड है। सीधे जाओ, एक दुकान की जाम खाया करते थे सामने। यहाँ पे चपाती मिला करती थी। HDFC का बैंक का ATM अभी भी है। अरविंद फोटो स्टेट अभी भी, अभी भी अरविंद बदल गया है अभी। यहाँ पे केमिस्ट्री की वो थी कोचिंग। यहाँ पे अंकल जी रोटी बनाया करते थे कॉर्नर में, लेकिन यहाँ पे स्त्री की दुकान।
यहाँ पे एक रोटी बनाया करते थे, यहाँ पे कोई दुकान नहीं थी। फोटो स्टेट से बहुत दुकानें हो गई हैं नी, ओम प्रकाश स्टोर ये दुकान तब भी थी, अभी भी है। लोग अनकम्फर्टेबल ना हो, यहाँ पे ग्लेडिएटर जिम है, ये तब भी था, ये आज भी है, आज भी यहीं पे है। ये है लास्ट गली है, जस्ट बगल में आईआईटी का कैंपस है, वो वाला आईआईटी कैंपस है, बस इतना छोटा सा है जियासरा। ये जगह बहुत ही कंजेस्टेड है, ओपन एरिया एक भी नहीं है, घर में जो रूम्स हैं वो भी बहुत ही कंजेस्टेड हैं। अगर आपके रूम में विंडो मिल जाए तो यू आर लकी पर्सन। रूम कॉस्टली है और एक रूम में 2-3 बच्चे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूम बहुत ही महंगे है, हर बिल्डिंग में बहुत बच्चे रहते हैं। जब मैं रहता था तो मेरा सिंगल रूम था आई थिंक 8,000 के आसपास का, मेरा रूम था, हम दो लोग रहते थे, 11,000 का था एक रूम में। पर हमारा रूम थोड़ा सा, वी आर लकी पर्सन, क्योंकि वो जो बिल्डिंग थी बिल्कुल घर जैसे थी, तो रूम अच्छा था, ओपन एरिया था और बिल्कुल हमारी बालकनी से पूरा आईआईटी का कैंपस वो बनी ये रही। ये देखो ये बच्चे दिसंबर बैच के होंगे, जहाँ तक CSIR नेट के ज्वाइन करने वाले, अभी आए हुए हैं बैग लेकर के, क्योंकि CSIR नेट का एग्जाम 2 बार होता है। एक बिल्डिंग में रही थी। ओह, ओके। ये बिल्डिंग उस टाइम बहुत अच्छी थी, जस्ट पीछे इसके आईआईटी का पूरा ओपन कैंपस दिखता था। देखूं आंटी का भूल गई हूँ मेरी, मुझे बताऊंगा, टूट गई बिल्डिंग यहाँ से। आप एक बिल्डिंग थी ना, अरे ये तो यहाँ से आईआईटी दिख रहा है। यहाँ पे पहले स्वामी और दीपेश रहा करते थे इस गली में। अच्छा हाँ, इसी गली में लास्ट वाले में रहा करते थे, और यहाँ पे हम खाना खाया करते थे 30 रुपये प्लेट, और यहीं कहीं पे समोसा बनाता था शाम को। चाय की टपरी तो बहुत सारी हैं, यहाँ पे एक कैफ़े था 20 रुपये में 1 घंटे देता था। आगे देखिए कितनी सकरी गली है, यहाँ पे धूप भी नहीं आती गली में, बहुत ही कंजेस्टेड है। यहाँ पे बहुत सारी बार्बर्स की शॉप खुल गई हैं, शॉप्स बहुत चेंज हो गए हैं। यहाँ पे 3 भाइयों की दुकानें थी, मॉर्निंग में हम उनके यहाँ चाय पीने आया करते थे। गलियाँ वही हैं, दीवारें वही हैं, बिल्डिंग्स में कोई चेंज नहीं है, एक दो बिल्डिंग चेंज हुई है, 6 साल पहले पहुँच गए। यहाँ प्रेस कराने आया करते थे हम कभी कभी, ये दुकान नहीं थी, ये टी स्टॉल नहीं थी। ये बेस्ट बेकरी भी नहीं थी, ये अंकल जी की दुकान थी, आंटी बैठा करती थी यहाँ पे, बहुत गुस्से वाली थी, ये दुकान नहीं थी, यहाँ पे चाय की दुकान थी। अंकल जी बैठे हैं, आंटी तो नहीं बैठी। ये है मेरा घर, मैं यहाँ रहा करता था लास्ट में, यहाँ रहता था मैं, इस घर में रहता। नेपाली की चाय थी, ये भी नहीं था द फूड प्लेस में, यहाँ पे नेपाली की चाय मिलती थी, यहीं पर रखता था ना, यहीं पर रखता था, अभी नहीं है, अभी कोई और ही दुकान खुल गई है यहाँ पे। नहीं नहीं वो है, वो है नेपाली की दुकान, हाँ यहाँ पे हमारे का रिसर्च कराते हैं। ये है ना नेपाली की चाय, वो अभी भी है लगता है, अभी भी अभी उसी हालात में। अरे अंकल जी वही हैं, अंकल जी चाय बना रहे हैं। यहाँ पे एक पांडे जी की दुकान थी, अग्रवाल जी चले गए क्या, ये तो अभी भी यही है, हॉज कैफेटेरिया, यहीं तो पांडे जी की दुकान थी, यहाँ हॉज कैफेटेरिया हो गया। अग्रवाल जी की यहाँ पे एक बाहर ही टी स्टॉल हुआ करता था, अरे अग्रवाल जी की दुकान चली गई। बस
ख़त्म हो गया जी एस सराय फिनिश्ड, एक गली बची है बस वहाँ की जहाँ से आईआईटी का गेट है। हाँ उधर ही चलते हैं, उधर ही चलते हैं। अगर एंट्री के राइट साइड में अग्रवाल जी की एक दुकान थी जहाँ बहुत लोग पोहा खाते थे और इलायची की चाय यहाँ हुआ करती थी ना, पता नहीं कहाँ चली गई। शटर खड़ा है यहाँ, यहीं बैठी छोटी सी दुकान। ये तो यहाँ पे थी बेकरी, लेकिन यहाँ पे बेकरी थी ये नहीं था। दुकानें चेंज हो गई हैं, बाकी सब सेम है। छह साल बाद एक बार फिर से एंजॉय करते हैं चाय जो हम लोग पिया करते थे डेली शाम। ये किसने कह दिया? ये गली बिल्कुल लास्ट में है, यहाँ लाइट भी नहीं रहती है। देखिए पूरे गली में एक बल्ब जल रहा है, बहुत ही अंधेरा रहता है इस गली में। कुछ नहीं है इस गली में, दो दुकानें हैं। यहाँ पे भी कह रहे लेवल की कुर्सी के ग्राउंड फ्लोर साइड में ना साइड से गेट था, ग्राउंड फ्लोर में था एक कुर्सी। बाकी सर जरा आपको देना राजेश सर। ये तो कॉर्नर बिल्कुल वैसे ही है, पहले गंदा नहीं था। यहाँ एक गाय रहती थी, अभी भी है। यहाँ एक मंदिर है छोटा सा, एक ही मंदिर है जी असराय में। ये देखिए यहीं से तो रास्ता है ना आईआईटी। हाँ, और यहीं से आईआईटी के अंदर जाने का एक बैक डोर एंट्री है। ये रही बैक डोर एंट्री, ये है वो टेंपल, ये है वो टेंपल जहाँ कभी कभी आते थे हम लोग, जहाँ कभी कभी आप आ सकते हैं एग्जाम के टाइम पे दुआएं मांगने पास कर देना भगवान जी। मैं कई बार गई हूँ ना सनीस मिलने जाती थी, बस तो ये राउंड राउंड आ करके जी असराय का सफ़र ख़त्म होता है जहाँ से शुरू हुआ था। आपको स्टार्टिंग में ही सारी कोचिंग्स मिल जाएंगी, गली में तो एक दो ऑफिस है जहाँ क्लासेस चलती हैं, बस मेन कोचिंग सेंटर सारे आपको यही दो चार बिल्डिंग में सब मिल जाएंगे। बस देखिए यहाँ से हम आए थे, वहाँ से हम अंदर गए थे और बस की राउंड राउंड जा कर के यहाँ से हम एग्जिट कर गए जी। ख़त्म हो गया हमारे जी असराय का सफ़र। हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो है तो नॉर्मल सी बट बहुत ही खूबसूरत फीलिंग आती है वहाँ पे जाने के बाद। सर हम वहाँ शाम को जाया करते थे और चाय पिया करते थे, बड़ा ही मज़ा आता था। तो देखते हैं अभी भी वो फीलिंग है या नहीं है, तो चलते हैं उस जगह पे। कभी कभी कहीं जाने पर ऐसा फील होता है कि दुनिया तो वहीं थमी हुई है, थोड़ा सा यहाँ आने के बाद भी वैसे ही फील हुआ जब हम इस जगह में घुसे। ऐसे लगा कि हम फिर से 2015 में पहुँच गए, क्योंकि सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे 2015 में था। दरवाज़ा जहाँ 6.5 साल पहले हमने इतने चक्कर काटे हैं आईआईटी जाने के लिए। आईआईटी को देख देख के आईआईटी जाने का सपना देखा करते थे हम। अच्छा तो गत्ता पहुँच गया। एक अच्छी बात है, जब मैं यहाँ रहता था ना तो यहाँ पे बहुत कचरा पड़ा रहता था। केजरीवाल जी ने एक अच्छा काम किया, यहाँ पे एक डस्टबिन हाउस बना दिया था। हाँ, गार्बेज एरिया टाइप का बना दिया है जहाँ पे गार्बेज होता है, अदरवाइज यहाँ रोड पे फैला रहता था बहुत गंदगी। वो ब्रिज है सामने, हर शाम को हम यहाँ पूरी गैंग आकर के टहलते थे। हाँ, जिस अच्छे प्लेस की बात कर रही हूँ मैं, वो प्लेस वो ब्रिज है। और अभी तो थोड़ा उजाला है, बिल्कुल रात को जब आप वहाँ पे जाओगे ना ऊपर में तो इतना अच्छा लगता है वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा। गर्मी के मौसम में तो बहुत मज़ा आता है, ठंडी हवा चलती है और नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, तो बस चाय के साथ उस जगह का मज़ा ही कुछ और होता है। अक्सर हम वहाँ जाया करते थे। अभी का पता नहीं, पहले वहाँ लेफ्ट साइड के कॉर्नर में एक आंटी बैठ के भुट्टा दिया करती थी बना हुआ, और ये चीज़ पहले नहीं था, ये बूथ नहीं था अभी यहाँ पे। इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन बूथ नहीं था ये, यहाँ बहुत झाड़ी ऐसी थी पहले यहाँ। हाँ, अभी ये एरिया काफ़ी वेल मेंटेन कर दिया इसको, अदरवाइज ये बहुत गंदा रहता था यहाँ पे। ये देखिए आईआईटी का हॉस्टल है जस्ट बगल में। जी हाँ सर, एक्चुअली आईआईटी के बीच में ही है, चारों तरफ से आईआईटी का ही कैंपस है, हॉस्टल्स हैं, डिपार्टमेंट है और ये बीच में छोटा सा एरिया है। ये
सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आपको चढ़ के जाना है। ये देखिए प्यारा सा कुत्ता यहाँ बैठा है। हेलो हेलो, ऐसा नहीं है कि आप घर में रह करके तैयारी नहीं कर सकते। खुशी में पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपके अगल बगल सारे उसके एनवायरमेंट में पढ़ने वाले लोग होते हैं, तो कलम में कंपटीशन फील होता है। अगर आप अपने एम को याद रखते हैं तो ऐसी जगहों में रहने पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपके। ये देखिए अब यहाँ पे खड़े हो करके चाय पीने का मजा, और ये जाती आती हुई गाड़ियों को देखने का मजा बहुत ही अच्छा लगता है। अभी थोड़ा उजाला है, रात को और अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों के लाइट दिखती हैं, बहुत सारे लोग आते जाते हुए दिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बस स्टॉप भी है जहाँ से आप नियर बाई जो भी अच्छे लोकेशन से हर जगह की बसेस यहाँ से मिल जाती हैं। बाकी आपको अगर यहाँ पे आना हो जियासरा है तो आपको हौज खास मेट्रो आना है, वहाँ से आपको सवारी ऑटो मिल जाती है, 10 रुपये लेते हैं वो। जियासरा है आपको ला कर के छोड़ देंगे। उसके अलावा आप आईआईटी गेट का भी एक मेट्रो है, वहाँ से भी आप आ सकते हो। आईआईटी मेन गेट का जो मेट्रो है वहाँ से तो वॉकिंग है, आप वॉक करके आ सकते हो 5 मिनट में। देख रहे हो आप, इससे थोड़ा सा 100 या 200 मीटर आप आगे जाओगे ना तो आईआईटी का हॉस्टल गेट है, हॉस्टल गेट करके बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से हॉस्टल सारे पास में है। जितनी बिल्डिंग्स दिख रही है ना ये सारी हॉस्टल हैं। और थोड़ा सा 200 मीटर आगे जा करके आप लेफ्ट टर्न लोगे और स्ट्रेट जाओगे तो आप जेएनयू कैंपस पहुँच जाओगे।